गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है, आई थिंक मंडे मॉर्निंग है। नहीं, आज मंडे नहीं है, सॉरी, मुझे डेट दिन याद नहीं है आज कौन सा है। हाँ, तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। एंड पास्ट 2-3 डेज से शायद मैं किसी काम में थोड़ा सा बिजी थी इस वजह से, एंड मेरी तबीयत भी थोड़ी गड़बड़ चल रही थी, तो इस वजह से मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था। बट फाइनली आज मैंने सोचा आज मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। अब इस ब्लॉग में क्या क्या इंक्लूड होगा वो तो मुझे अभी पता नहीं है, बट कोशिश करूँगी कि सब कुछ इंक्लूड कर पाऊँ, होल डे का रूटीन बना पाऊँ। लंच बन चुका है, ब्रेकफास्ट मैंने अपने हस्बैंड के साथ ही कर लिया था, नो स्पेशल ब्रेकफास्ट, चाय और रस जो खाने थे मैंने वही खाए हैं। चाय आज ज़्यादा बन गई थी तो मैंने उन्हीं के साथ थोड़ी सी चाय ले ली, उनको थोड़ी दे दी, थोड़ी मैंने ले ली। एंड शौर्य स्कूल चला गया है, तो जब शौर्य स्कूल चला जाता है तो इतना रिलीविंग टाइम लगता है, तो मैंने कहा चलो इसी के बाद ही स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी 9:45 बज रहे हैं, बस मेरे हस्बैंड भी अभी गए थे, तो मैंने सोचा घर समेट लेती हूँ। हाँ, घर समेटने से पहले मैं कल गई थी अपने मायके, बट मैंने कल कोई ब्लॉग नहीं किया क्योंकि कल मैं किसी और रीज़न से गई थी। मैंने आप लोगों को बताया था मेरी भाभी की मम्मी एक्सपायर हो गई थी, तो उन्हीं के यहाँ कुछ प्रोग्राम था जो तेवी वगैरह होती है, तो उसी में मुझे जाना था। तो वो कोई दिन नहीं था, ना ही ब्लॉग करने का, ना ही घर पे ऐसा मूड था मेरा, ना वहाँ जाके ऐसी कोई वीडियो बनाने का, तो इस वजह से कल का कुछ भी मैं वीडियो नहीं कर पाई हूँ। एंड आज मैं न्यू फ्रेश डे पर न्यू ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं शौर्य के जाने के बाद किस तरह से अपना काम सुलटाती हूँ। अभी मुझे बेड लगाना है, चादरें वगैरह समेटनी है, डस्टिंग करनी है, क्योंकि एक दिन में मतलब मैं एक नाइट स्टे अपने घर करके आई थी, मम्मी आई हुई थी, तो मैं मम्मी के साथ ही चली गई थी क्योंकि हस्बैंड ऑफिस में बहुत बिजी थे तो वो नहीं जा पाए, तो मायके से तो सब जाने ही थे, तो मैं वहीं चली गई और वहीं से होकर भी आ गई। एंड कल ये शाम को मुझे पिक भी कर ला, तो एक नाइट मैंने वहाँ स्टे की थी, तो एक दिन से घर गंदा पड़ा है तो मुझे वो समेटना है। तो चलिए काम स्टार्ट कर लेते हैं। सो अब स्टार्ट होती है रूम की क्लीनिंग से। सबसे पहले मैं इन कर्टन्स को खोल दूँगी सो दैट नेचुरल लाइट आ पाए। एंड समय ये वो सूट है जो मैंने कल पहना था, तो मैं रात को उतार के ऐसे ही रख देती हूँ एंड फिर मॉर्निंग में मैं इसे वॉश कर दूँगी। एंड इसके साथ साथ मैं ये जो भी चादर वगैरह इन सबको समेट रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैं पहले हस्बैंड का शौर्य का ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, फिर अपने हस्बैंड का लंच बनाती हूँ, तो उसी में सारा टाइम निकल जाता है। एंड जब वो लोग चले जाते हैं तो मैं फुर्सत से अपने रूम को क्लीन करती हूँ। अब मैं अपने बैग को अनपैक कर रही हूँ। इसी बैग में मैं लेके गई थी, मेरा वैसा कोई बड़ा वाला बैग ले जाने का मूड नहीं था, थोड़े से दो पेयर कपड़े ले जाने थे, तो ये सुरेशन का थैला है, इसी को ले गई थी। एंड इसमें से मैं अब डिवाइड कर लूँगी कपड़े जो अनयूज्ड हैं उन्हें वापस से अलमीरा में रख दूँगी, एंड जो गंदे वाले हैं उन्हें मैं धोने डाल दूँगी। अभी मैं मशीन भी लगाऊँगी क्योंकि पहले के भी कपड़े पड़े, एंड अभी मैं वहाँ से भी यूज़ करके जो लाई हूँ वो भी। बारिश का मौसम था तो मैंने वहाँ पर कोई भी कपड़े ना धोए ना मम्मी को धोने दिए, क्योंकि फिर वो सूखते नहीं तो वहीं रह जाते इस वजह से। अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब मेरा काम है किचन को समेटना, झूठे बर्तनों को सब सिंक में डालूंगी, एंड जो भी खाना बनाया है उनको माइक्रोवेव सेफ कंटेनर में डाल के उन्हें भी धुलने डाल दूंगी, और बाकी जो भी किचन मेसी पड़ी है उस सबको ऑर्गेनाइज करूंगी सो दैट जब मेरी मेड आए तो वो आराम से काम कर सके।
अब मैं शौर्य की दूध की बॉटल्स को बॉईल करने के लिए रख दूंगी, तो उससे पहले मैं उसे करूंगी वॉश। एंड इस पे मैं ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। एंड काफ़ी लोगों में ने मुझे बताया था कि मैंने उस वीडियो में कुछ गलती की थी, तो फ्रेंड्स मैंने वो नेसेसरी करेक्शंस कर लिए हैं। एंड अब मैं विम लिक्विड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ साफ वाटर से एंड ब्रश से क्लीन करके बॉटल्स को बॉयल कर लेती हूँ एंड उसके बाद उन्हें क्लीन प्लेट में ही निकाल के रखती हूँ। सो थैंक यू फॉर ऑल योर सजेशंस, मैंने अपनी गलती सुधार ली है। अब मैं हॉल की क्लीनिंग स्टार्ट करूंगी, तो ये जो दो सोफ़ा हैं यही ज़्यादा गंदे होते हैं, तो मैं इन्हीं के कवर उतार के उन्हें झाड़ दूंगी। एंड ये वाला काम मेजरली मेरे हस्बैंड करते हैं क्योंकि मुझे डस्ट से एलर्जी है, बट आज ज़्यादा गंदा नहीं है तो मैं भी इन्हें क्लीन करके फिर से सेट कर दूंगी एंड बाकी भी हॉल को सफाई कर दूंगी। यह है मेरे हस्बैंड का बाथरूम, इसमें सारे कपड़े रखे हुए हैं जो हमें वॉशिंग के लिए ले जाने हैं, तो वो अब काफ़ी सारा स्टॉक हो गया है, तो मैं आज मशीन लगा रही हूँ, 1 घंटे की मशीन लगा दूँगी। एंड फुली ऑटोमेटिक मशीन है तो कोई ख़ास काम नहीं होता है, तो पीछे आंगन में रखी हुई है हमारी मशीन, तो बस अब मैं उसी को लगा दूँगी एंड 1 घंटे मैं भी फ्री। सो फाइनली मेरी सारे घर की क्लीनिंग हो गई है, जो मेरा पोर्शन था काम करने का वो मैंने कर लिया है एंड बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, थोड़ी बहुत ही डस्ट थी। एंड शौर्य नहीं होता है तो घर अपने आप ही साफ रहता है, तो इस वजह से बेडरूम की भी डस्टिंग कर ली, हॉल की कर ली, किचन में मुझे जो समेटना था मैंने सब समेट लिया। आज मैंने आप लोगों से शेयर किया है अपना मॉर्निंग का क्लीनिंग रूटीन, कभी मैं आपसे रूम का शेयर करती थी कभी किचन का, बट आज मैंने तीनों को कंबाइन करके शेयर कर दिया है,
तो इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगी, इसमें मैं सिर्फ आपको क्लीनिंग ही दिखाऊँगी, तो इस वजह से मैं इस ब्लॉग को जल्दी ही एंड कर रही हूँ, सो दैट आप लोग बोर ना हो जाएं एक ही चीज़ को बार बार देखते हुए। एंड अगर कुछ स्पेशल होगा तो मैं सेपरेटली इवनिंग में एक नया ब्लॉग स्टार्ट कर लूँगी एंड उसमें बाकी चीज़ें इंक्लूड कर दूँगी। तो ये था मेरी क्लीनिंग का रूटीन जो मैं एवरी डे करती हूँ। हाँ, आजकल मैं ज़रा फुर्सत से कर लेती हूँ क्योंकि शौर्य चला जाता है तो मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। एंड मैं आज रिकॉर्डिंग भी कर पाई क्योंकि मैंने ट्राईपॉड को प्रॉपरली यूज़ किया, आज मैंने उसको फुल लेंथ पे ओपन किया एंड प्रॉपरली वीडियो बनाई, क्योंकि शौर्य नहीं था तो मुझे डिस्टर्बेंस नहीं मिली एंड बहुत ही जल्दी आधा पौन घंटे में मेरा सारा काम निपट गया। तो बस फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का व्लॉग एंड रूटीन। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड जो भी नए लोग हों मेरे चैनल पे, अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड उस बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिएगा सो दैट आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।